खबर है आगरा से, जहां ताजगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को ताजगंज पुलिस और एसओजी की टीम ने 25,000 के इनामी और देवा गैंग के सदस्य सोनू गुर्जर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान सोनू के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उससे लूट की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। दरअसल 21 अगस्त को बगदा मोड़ पर लूट के दौरान एक कपड़ा व्यापारी को गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में कारोबारी को शमशाबाद के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। घटना में देवा गैंग का नाम सामने आया था। पुलिस को शुक्रवार को सूचना मिली कि देवा का खास सोनू गुर्जर लूट की बाइक के साथ कहीं जा रहा है। सूचना पर पुलिस और एसओजी की टीम ने घेराबंदी कर दी। पुलिस ने सोनू को तोरा क्षेत्र में 125 फुटा रोड पर घेर लिया। खुद को घिरता देख सोनू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की। फायरिंग में सोनू के बाएं पैर में गोली लग गई और वह गिर गया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट की बाइक, एक तमंचा, कारतूस बरामद की है। गोली लगने से घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आगरा से परविंदर राजपूत की रिपोर्ट। बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? जनपद आगरा में थाना ताजगंज क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ हुई है। थाने की थाना ताजगंज और एसओजी की टीम दोनों एकता चौकी पर मौजूद थी। उसी समय क्या सूचना प्राप्त हुई मुठभेड़ से कि दो बदमाश लकावली से चमरौली की तरफ एक घटना के इरादे से जा रहे हैं। रास्ते पड़ने वाली 125 फुटा रोड पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, जिसमें बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया। जो घायल बदमाश है वो, उसका नाम सोनू गुर्जर है और वो 25,000 रुपये का इनामी बताया था और 2013 से अपराध की दुनिया में एक्टिव है। उसके ऊपर लूट और गैंगस्टर के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और अभी पिछले दिनों हुई 21 अगस्त में एक व्यापारी से एक मोटरसाइकिल और जो उसके रुपए लूट लिए गए थे, तो उसके पास से वो लूटी गई मोटरसाइकिल और कैश बरामद हुआ है। और यह बताया जा रहा है कि ये देवा राम दत्त के गैंग का सदस्य है और कई सालों से उसके साथ ये कार्यरत है।